इनडायरेक्टली तो भारत की इन्वॉल्वमेंट, ये कोई नई बात तो है नहीं जो मोहित यूसुफ साहब ने की है, ये तो पिछली हुकूमतें भी कहती रही है सीपेक से भारत को एक खास मसला है, और चाइना चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इंटरेस्ट को पाकिस्तानी टेरिटरी में पाकिस्तानी सॉइल पे जो भी ये काम हो रहा है इसके पीछे ऑब्वियसली भारत को खुश तो नहीं है सीपेक प्रोजेक्ट से। यूसुफ साहब ने बोल दिया कि इंडिया सीपीईसी को अटैक कर रहा है, कभी चाइना ने बोला क्या? मुझे तो नहीं देखा, मुझे एक स्टेटमेंट नहीं देखा चाइना का। भाई चाइना के लोग मर रहे ना चाइनीज फेलियर के पीछे। अच्छा अब तो हालत ये हो गई कि बकरी बच्चा देते तो भी इंडिया का नाम ले लेते हैं। अरे भाई हमारी क्या गलती है? आपके अपने टीटीपी आपने पाला उनको, आपने उनको ट्रेनिंग दी, आपके कंट्री में अटैक कर रहे आप इंडिया पकड़ लेते हो रॉ। दुश्मन से गिला क्या करना, अगर भारत दुश्मन है तो उससे क्या गिला करना, और अगर भारत यूज कर रहा है तो ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, और अगर अटैक्स होते हैं तो ये एक लैप्स है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एंड हेड्स मस्ट रोल। सिर्फ वही मेरी बात कि आवाम को ये बता देना, वो तो जर्नलिस्ट बता देंगे कि कौन सा ग्रुप है, किसने जिम्मेदारी कबूल कर ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता होगा कि पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो उस पे भारत पे लगा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि इसके पीछे भारत का हाथ है। दोस्तों इसी के पर जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं रोहित शर्मा, उन्होंने कड़ाकेदार जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर बकरी भी बच्चा दे दे तो इसके पीछे भी भारत का हाथ बताया जाता है। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आर्मी है, जब वो अपनी नाकामी छुपाती है तो उसके पीछे भारत का नाम लगा देती है, ताकि जो लोग हैं वो पाकिस्तानी आर्मी से सवाल पूछे, बल्कि वो इंडिया के जो आर्मी है उससे वो सवाल पूछने लगे कि क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो पाकिस्तानी आर्मी, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी और खास करके पाकिस्तानी मीडिया दोनों मिलकर भारत का हाथ बताने लगते हैं और बोलते हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है। तो इसी पर जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं जो रोहित शर्मा, उन्होंने कड़ाकेदार जवाब दिया है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी हंसी भी आप लोगों को आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से जवाब दिया गया है वो देख कर आपको बिल्कुल हंसी आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। मोहित यूसुफ साहब की उन्होंने कहा कि जी सी पैक के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं या जो अभी हमारे फोर्सेस के ऊपर टीटीपी ने जो अटैक किए हैं उसके बारे में भी उनका ये कहना है कि ये भारत करवा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीपैक कंप्लीट हो और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हो। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए इनडायरेक्टली तो भारत की इन्वॉल्वमेंट, ये कोई नई बात तो है नहीं जो मोहित यूसुफ साहब ने की है, ये तो पिछली हुकूमतें भी कहती रही है सीपेक से भारत को एक खास मसला है, और चाइना चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इंटरेस्ट को पाकिस्तानी टेरिटरी में पाकिस्तानी सॉइल पे जो भी ये काम हो रहा है इसके पीछे ऑब्वियसली भारत को खुश तो नहीं है सीपेक प्रोजेक्ट से, और जो जितना भी चाइना से उनकी खास एक पिछले 1.5-2 सालों से एक बड़ी तनाव की कैफियत चली हुई है, तो उसमें भारत की तो ऑब्वियसली कोशिश होगी कि चाइना को जिस तरीके से भी वो नुकसान या जद पहुंचा सके, तो जिच पहुंचा सके, तो वो इसके लिए ऑब्वियसली कोशिश कर रहे। तो मोहित यूसुफ साहब के बयान में कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है या कोई ऐसी कोई इंकशाफ नहीं कर दिया जिससे हम लोगों को कोई आगाही हासिल ना हो। और जहां तक टीटीपी की बात, आप अभी ये बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी फोर्सेस पे जो वो अटैक हुआ केच में, ऑब्वियसली जितने भी ग्रुप्स हैं बलोच मिलिटेंट्स के साथ तो भारत के और रॉ के लिंक्स जो हैं वो कोई ढके छुपे नहीं है। कुलभूषण जाधव भी इसी सिलसिले में एक्टिव था, तो इसमें भी कोई इतनी बात नहीं है। मगर बात यह है कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये बात कह देना कि भारत इन्वॉल्व है, रॉ इन्वॉल्व है, ये ठीक है हमें पता है, मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सरकार या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का सिर्फ काम ये नहीं है कि हमें बता दें, उनका काम है रोकना, और अगर और इसका और ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना कि ये दोबारा ना हो। ठीक है, बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि भारत कर रहा है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ ये जानना काफी तो नहीं है आवाम के लिए कि भारत कर रहा है? अगर भारत कर रहा है तो आप जवाब दें जिस तरीके से भी, और अगर नहीं जवाब दे सक रहे तो ये हमारी इनकॉम्पिटेंस है। मेरा तो ये इस पे व्यू है कि सिर्फ हमारी सरकार जो का काम या हमारी फौज का काम आवाम को ये बताना नहीं है कि इसके पीछे भारत है या कोई और मुल्क है। जो भी मुल्क है, जो भी ग्रोह है, उसको आप रिस्पॉन्ड करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। खुद भी नहीं जानते वो बोल क्या रहे हैं, पहली चीज तो।
दूसरी चीज ये कि मोहित यूसुफ साहब ने बोल दिया कि इंडिया सीपीईसी को अटैक कर रहा है, कभी चाइना ने बोला क्या? मुझे तो नहीं दिखा, मुझे एक स्टेटमेंट नहीं दिखा चाइना का। भाई चाइना के लोग मर रहे हैं ना, चाइनीज इंजीनियर्स मरे थे दासू में, पहली चीज। इंटीरियर मिनिस्टर ने पहले तो उसको दासू अटैक को बोला कि ये तो गैस एक्सप्लोजन था, तो फिर उसके बाद जब चाइना ने बताया कि हाँ कौन सा क्या गैस एक्सप्लोजन था, तब आपने माना कि नहीं नहीं गैस एक्सप्लोजन नहीं था, ये तो ब्लास्ट था, टेरर अटैक था। दूसरी चीज, हर अटैक के पीछे, हर पाकिस्तानी फेलियर के पीछे, अच्छा अब तो हालत ये हो गई कि बकरी बच्चा दे दे तो भी इंडिया का नाम ले लेते हैं। अरे भाई हमारी क्या गलती है? आपके अपने टीटीपी, आपने पाला उनको, आपने उनको ट्रेनिंग दी, आपके कंट्री में अटैक कर रहे, आप इंडिया पकड़ लेते हो रॉ। अरे कहीं तो आपके पास कोई प्रूफ होगा, आप ऐसे ही मतलब बाहर निकल के सच से बोल देते हो इंडिया। नाउ टीटीपी से बातचीत, टीटीपी का सीधे सीधे टीटीपी ने उसकी जिम्मेदारी ली, जब बहुत सारे अटैक्स की, दासू का नहीं पता मुझे लेकिन बहुत सारे अटैक्स की, दासू में भी हाथ तो दिखता है टीटीपी, नहीं तो टीटीपी एफिलिएटेड। टीटीपी से बातचीत कौन कर रहा है? अगर इंडिया टीटीपी को बैकिंग दे रहा है तो आप बातचीत क्यों कर रहे हैं उससे? व्हाई आर यू टॉकिंग टू देम? अभी तो ये पता लगा कि 9th of January को एक डेलीगेशन पश्तून सीनियर्स का, सीनियर पश्तून का गया है जाकर के वहां पे टीटीपी से मीटिंग करके आया, बाद में काबुल में मीटिंग करके आया। भाई आप इनसे क्यों बात कर रहे हैं? व्हाई आर यू टॉकिंग टू देम? आप उनसे पीस की भी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बदला भी लेंगे, वो आकर के आपके पास अटैक करें। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू टॉकिंग टू इंडियंस, व्हाई यू टॉकिंग टू एक ऐसा दुश्मन जो कि आपके पास इतना कुछ करवा रहा है, आप उसको ब्लेम करते हैं, आप उससे बात करना चाह रहे हैं, आप उससे पीस कर रहे हैं, आप उससे सीज फायर कर रहे हैं, आपके आर्मी के आदमी पर अरेस्ट होते हैं जब उनका एक एहसान उल एहसान भाग जाता है, मतलब आर्मी के लोग ही भगा रहे हैं ये, मतलब मुझे कहीं कोरिलेशन नहीं दिख रहा है। आम भारतीय से तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है जी, मगर अगर उनकी सरकार इस तरह के एग्रेसिव पोस्चरिंग करेगी, जंग का बात हर वक्त तबले जंग बजाना, तो उसमें तो फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना हर चीज। जो जी जो ऐसा मुल्क, दोस्त मुल्क हो सकता है जो आईपीएल में कह दी पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आने या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, क्या दोस्त ममालिक इस तरह तो नहीं बिहेव करते ना? पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं आए, पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं आए, उनका क्या लेना देना पॉलिटिक्स है या किसी लेकिन से? या आपसे रोड्स का पैसा लेंगे, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग या वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग? भाई हमने ये बोला था कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाएंगे, उसके बदले में हमें इतने डॉलर पर ईयर देते रहना या पर मंथ देते रहना, नहीं बोला था हमने, उनके लिए बनाई थी और हमें उससे वापस क्या मिल रहा था? कुछ नहीं। हमने तो उनको एक स्टेडियम दिया था यहाँ लखनऊ में उनकी क्रिकेट टीम को, वो हमारी लखनऊ स्टेडियम, वो आज भी उनके पास है, दे वॉन्ट दे कैन हैव इट नाउ। हमने उनके लिए बनाया था, वो लोग यूज करें, नहीं यूज करना चाहते लेट देम डू व्हाट एवर दे वांट टू डू। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, इन्वेस्टमेंट डूबा है पाकिस्तान का, ये आपके जो हुक्मरान है या आपके पॉलिटिशियंस है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग, फनी और लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लाते रहते हैं।